वैसे तो एचपीडीए लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जो कि एचपीडीए की निगाह से बचे हुए हैं। यहां दर्जनों अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं। हापुड़ की मुदनेकर रोड पर, दस्तोई रोड पर आदि क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग का धंधा जोरों पर है। लोगों को गुमराह कर मार्ग पर तारकोल बिछाकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर यहाँ प्लॉट बेचे जा रहे हैं। कृषि भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर एचपीडीए ने कुछ खास कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते कॉलोनाइजरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे एचपीडीए पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि एचपीडीए की जेसीबी मोदीनगर रोड, दस्तई रोड पर कब चलेगी, ये सवाल बना हुआ है। हापुड़ की मोदीनगर रोड पर स्थित सीएमओ ऑफिस के पास से सरकारी अस्पताल जाने वाले 2 किलोमीटर लंबे रास्ते पर बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। बिचौलियों के माध्यम से इन प्लॉटों को भोले भाले लोगों को गुमराह कर बेचा जा रहा है। भूखंडों में बांट कर प्लॉट का सौदा हो रहा है। एचपीडीए वैसे तो अन्य स्थानों पर बड़े स्तर पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चला रहा है, लेकिन इन अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई कब होगी।